शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दस करोड़ चाहिए सालों को, दस रुपए देके नहीं हरामखोरों ने। दस साल लगाए मेरे बोस के पीछे, देखता हूँ ये पैसे को कौन हाथ लगाता है। टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बम्पर, उसके टायर, उसके दरवाजों ने तेरे से रहम की भीख मांगी होगी बेरहम। माफ कर दो पापा, माफ कर दूँ तेरे को, मेरे बच्चे के कातिल को माफ कर दूँ ना, तारी बहन हरी भाई ले जाए आराम कर। ना पापा जी, मुझे गोली मत मारिए, मेरे पास 10 करोड़ रुपए। क्या 10 करोड़ रुपए? किधर है अंकल? एक्सक्यूज मी, टॉक टू अंकल। क्या है? प्लीज आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? यस यस, मैं कुछ पागलों को गोवा पागल खाने लेके जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शब्बो, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? शब्बो, शब्बो कहाँ चली गई? शब्बो अंकल, ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा अच्छा, बड़े अफसोस की बात। हाँ, बहुत अफसोस की बात। चलिए चलिए, चलो भाई, चलो भाई। शबनम, अंकल ये कौन है?
ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। चल चल बकवास की बातें करता टाइम वेस्ट कर। चलो 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 अंदर जाओ। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। आइए ना छोड़ देती हूँ। हमको ये पार है जो तुम हमें छोड़ दोगी। मानव ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम भाग भाग। अरे अरे अच्छे के सुनना मैं अच्छे से छोड़ देती हूँ। रुको रुको हम सबको बुला रही है। अरे रुको भाई। ओह शिट। इंस्पेक्टर कबीर नायक देख मैं तेरा कैसे मिसयूज करता हूँ। ए चल रोक रोक पुलिस पुलिस रोको रोको रोको। मामे क्या खाक मजा आ रहा है? कलिंगर भी खाने की चीज होती है। केला खाना तो कलिंगर खिला रहे हो। ये कोई कलिंगर है? दूसरा कलिंगर तो मीठा वाला। ए वाला दो मेनू तुसी। ए नहीं चाहिए मेनू। ले यार दूजा दे। दूजा ले। ले। 10 बार बोला। ओए खाली। ओए रुको। मेरी गड्डी ले गया। बाहर में जाएगा थी। गड्डी के साथ गुड्डा भी चला गया। गड्डी में गुड्डू सी। यानी सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपया है। हाँ 10 करोड़ रुपया। हाँ पापा जी हाँ। और अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे जान से मार देना। ना लायक मुझे ऑर्डर देता है। मैं ऑर्डर नहीं आपको सजेशन दे रहा था। मैं बेवकूफ मेरे को सजेशन देता है? अरे पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए। उन लोग पहले पहुंच जाएंगे। अब ये किस लिए? अरे तू काम की बात देर में बोलता है। जल्दी चल दिख रहा मेरे को 10 करोड़ दिख रहा। पापा जी गोवा उस तरफ है। आप इस तरफ क्यों जा रहे हो? अरे दिख रहा 25 किलोमीटर पीछे एयरपोर्ट है। जल्दी पहुंचेंगे। अबे तू घूर क्या रहा है? चल अंदर चल ना। चले टिकट दे गोवा का जल्दी कर। अबे तेरी हम टिकट देते नहीं काटा देते हैं। ये कंडक्टर नहीं है डाकू है। डाकू ये बस हाईजैक हो चुकी है। लेफ्ट लेफ्ट बस। अरे अरे रुका रुका रुका। नमस्कार बंधु। नमस्कार तो आप प्लीज हमको गोवा छोड़ देंगे? गोवा गोवा तो अभी तो गाड़ी रोकी है। थैंक यू। डुके पड़ो गोद में धोके पड़ो बाहर वहां से। बढ़िया बढ़िया अंदर बैठ घुस। आपका तो दरवाजा हाथ में आ गया। कोई बात नहीं पकड़ के बैठ जाओ। क्या
दरवाजा 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 गाड़ी चलती है ना थैंक यू हाँ लेट्स गो चिंता मत करो अभी स्टार्ट हो जाएगा आज ही स्टार्टर का काम कर रहा है अभी स्टार्ट हो जाएगा बुझते पार्ची ना की होलो रे की होलो नहीं वो की होल वो अबे तू हमलोग को लिफ्ट देने के लिए बनाया टॉर्चर करने के लिए उड़ी बाबा तेरी उड़ी बाबा के बच्चे क्यों इस मुर्दे में उंगली कर रहा है आई चार पाइयों में नहीं चार कदमों में जाने के लायक थप्पड़ मारवा पकड़ के उड़ी बाबा अरे क्या उड़ी बाबा हैं चलती तो है नहीं उड़ी बाबा उड़ी बाबा चल मारो निकल मार हाँ ये गाड़ी को बेच कर थोड़े पैसे डालकर सेकंड हैंड रोलर स्केट ले लो वो धूम में जो रीति लगाने चलाए थे कम से कम चलेंगे तो सही खदार गाड़ी लेके घूमता है साले घटिया आदमी ऊपर से लोगों को बुला बुला के परेशान करता है बाहर में गया मुझे नहीं जाना देता तू साला दादा गोल गोल ए मचान जोल तू खड़ी हमारी हमारी मां जोल नहीं करती थी अरे मार मार गोल दे दिया पहुंची गोली बोला जोल मस्ती करी तू तेरा बाप पछी कर बच्ची गाड़ी खा के तुझे जुल्लाब लगेंगे चल इधर और गाड़ी देखना अरे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ मेरा नाम देशबंधु रॉय है लिफ्ट लेने के चक्कर में इस बस में आगे रोटा तीर अपनी ले लिया यार चुप बे आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई 2 साल 20 रॉबरी फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन हैं और करते कहाँ हैं समझ में आया मैं कौन हूँ अब बाबू भाई आपने 2 साल में 20 रॉबरी की आपका दूसरा नाम आतंक है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ कौन हो गद्दार जो हमारी तेज नजरों से बचा हुआ कौन भाई अब फिर से प्रश्न कर रहे हो तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे पहले इस बबुआ की तलाशी लो तेरी आई कार्ड पढ़ तो बे का लिखा है इंस्पेक्टर कबीर नायक अबे पुलिस वाले को सलाम करता है और यहाँ का बैठा चल उधर कार्ड में फोटो भी नहीं है अंडरवियर ऑफिसर बाबू भाई अंडरवियर नहीं अंडर कवर ऑफिसर इंग्लिश बाबू भाई को अंग्रेजी सिखा रहा बांध के डाल दो पीछे साले को रोते नहीं अरे रोते नहीं यार एक रोना बंद कर नहीं तो सड़क पे फेंक दूंगा अरे बच्चे अच्छे बच्चे रोते नहीं है देख देख एक टाइम मुझे गोवा पहुंचते थे एक टाइम 10 करोड़ का सवाल है 10 करोड़ का देख अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए ना उसमें से 1 करोड़ तेरे को दे दूंगा अरे ज्यादा चाहिए चलो 2 करोड़ दे दूंगा चल 3 करोड़ देता हूँ अरे फिर कितने चाहिए दस करोड़ अरे मैं हमको गोवा जाना है कोई फ्लाइट है यू आर लेट सर गोवा की आखिरी फ्लाइट 15 मिनट पहले ही निकल चुकी है अरे ओके ओके दूसरी कोई फ्लाइट होगी कल तक कोई फ्लाइट नहीं है सर अरे कोई प्राइवेट प्लेन नो सर कोई नहीं अरे बाबा पापा जी जो आप क्या बोल रही है प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना लेटा हुआ है किसके साथ कहाँ लेटा है सर हेलो हेलो सर हेलो मिस्टर ड्राइवर सर उठिए अरे अरे हेलो ड्राइवर जी ओ ड्राइवर जी अरे कुंभकर्ण भाई लागे चबा एक अरे ड्राइवर ये ऐसे नहीं उठेगा मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ अरे ओ ड्राइवर ओ मिस्टर ड्राइवर क्रैश 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 नहीं क्रैक होगा देखो आप लोग कौन है यार बमन नारी सर हमें गोवा लेकर चलिए प्लीज सॉरी आज मेरा हाफ डे हमें गोवा ले तो चलिए हम आपके हाफ डे को फुल डे कर देंगे अरे
नहीं होना ना, मैं नहीं, बस सर मना मत कीजिए सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में, गोवा के हॉस्पिटल में। चलिए ना सर, आपको आपकी माँ का वास्ता। माँ, माँ जो माँ मुझे पैदा होते ही छोड़ के चली गई उसका वास्ता देते हो, तुम्हारी माँ का वास्ता अपने पास ही रखो। माँ का नहीं, माँ का नहीं, मामा का वास्ता दिया था। मामा का वास्ता। I'll kill you। मेरा मामा कंस और शकुनी का भी बाप था, खाने को गाली और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं दिया कमीने ने, और ऐसे एक मामा का वास्ता दे रहे सारे। बाप का वास्ता दिया, बाप का वास्ता दिया। बाप का वास्ता मत देना, बाप का वास्ता मत देना, क्योंकि आज तक मुझे ही पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। मेरा घटिया बाप मेरी माँ को माँ बना के चला गया था, मालूम है? माँ को माँ बना के? अरे बिन ब्याही माँ यार। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए ना, तो I will chop his legs। सर आपको आपके इसका वास्ता दे सकते हैं? अरे यार ये क्या कह दिया तुम लोगों ने, क्या हुआ? अरे इसका वास्ता तो मुझे जंगल तक ले जा सकता है। बोलो दोस्तों कहाँ जाना है? गोवा। सॉरी भाई साहब, वो हमको पता नहीं था ना कि वो बाइक आपकी नहीं है। बाइक मेरी नहीं थी तो इतना मारा, अगर मेरी होती तो कितना मारता। चल गया, निकल निकल भाग यहां से। तू पूछ तो ले रहा यार बाइक उसकी है कि नहीं। सुन तो लेते कि वो तू बहस कर रहा है मेरे साथ, तू बहस कर रहा है मेरे साथ, मुझे सिखाएगा तू? तेरे वजह से वो बाइक चली गई, बता? वो बाइक अगर होती ना फटाफट हम लोग गोवा पहुंचे होते। तेरे वजह से ना वो जैकेट वाले को हम लोगों ने पीट दिया। शरीफ आदमी था वो। आदमी क्या दिया? आदमी इधर देख, इधर देख, उल्लू का पट्टा लग रहा हूं मैं। वो आदमी है पजामे कुर्ते में, बाइक पे बैठा निकल लिया। अरे हम लोग यहीं पे। आधी आधी बोल तो रहा था, आधी आधी बोल रहा था, गाड़ी गाड़ी नहीं बोल सकता था। I'm not so smart ना, मम्मी। बंद कर, रोना बंद कर। जब गिरा। विद्यार्थियों ने तो देश की हालत हालत चौपट कर दी है। हाथ का जोड़ रही है सर। निकाल इधर से, बस सुबह खोल के निकालो रुपया, नहीं देख कान के नीचे भी खींच के। ये क्या है? ये बंदूक है। हैंड्स अप, अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। ड्राइवर भाई गाड़ी रोक दो। बता रहे बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे सस्ती चीजों का शौक तो मुझे भी नहीं है। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। मुझे मारा तो मारा, अगर तूने बाबू भाई के हाथ लगाए ना तो बाबू भाई की। इंस्पेक्टर समझा देता हूँ तुझे मैं। तू क्या समझेगा बे? अभी मेरे को मारा तो ठीक है, पर अपने बाबू भाई को मत मारना प्लीज। बाबू भाई की माँ की। इंस्पेक्टर तेरी तो मेरे को मारा तो ठीक है, पर बाबू भाई का कोई कुछ नहीं बोलेगा।
कुछ नहीं बोलेगा। कर, कर जो तुझे करना है, करना। हाँ तो करूंगा ना, तू क्या मुझे रोकेगा? साले दो कौड़ी के डाकू, साइकिल लूटने की औकात नहीं है तेरी, और बस लूटने चला है। हाँ साले, गोली जितनी साइज है तेरी, बंदूक उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे तेरे जैसे को तो मैं हर शनिवार को 5 हरी मिर्चों के साथ अपने घर के बाहर लटकाता हूँ, समझा ना भाई? नीमू बोल रहा है आपको मालूम है? मालूम है। ठीक से बांधा कर यार, आदमी खुल जाता है फिर उससे ऐसी वैसी हरकतें सूझती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं बाबू भाई, चल बांध। ना ये गाड़ी चलने के लायक है, ना तू कहीं ले जाने के लायक। मेरा बंदोबस्त हो गया, तेरा बंदोबस्त करता हूँ। अरे भाई साहब पकड़िए इसे। अरे लेकिन, अरे पकड़िए, बहुत अर्जेंट है बाथरूम। अरे अभी आ रहे तेरे पापा। गुड्डू आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। चेंजर ना है, चेंज कर। चंदा मामा के प्यारा मेरा मामा, मेरी चेंज कर, चेंज कर यार। हिस्ट्री बुक ये क्या कर रहे हैं? अरे लड़की इधर आ, इधर आ, अरे इधर बैठ, बैठ सर, बैठ सर। अरे ये बमन कैसे हवाई जहाज उड़ाएगा? शट अप, यू शट अप। अरे पायलट साहब, अरे मिस्टर ड्राइवर, फिर से इमोशनल कर दिया ना तुमने उसको। गाना चलाने की क्या जरूरत थी यार? अरे ये तो फिर से दारू पीने लग गया, ये सब तेरी वजह से हुआ। भाग गया, भाग गया।
के पकड़। थैंक गॉड वो बच्चे से पीछा छूटा। गार्डन में हूँ बेटा। गार्डन में? अबे हैंगिंग गार्डन में। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पापा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हेलो, अरे हेलो, 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 हेलो। हेलो, नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, डी के मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत है। इमरजेंसी सेवाओं में आपकी हेल्प के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं यहां। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार, कितना स्लो चल यार। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन, बमन। हाँ तो बमन, बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। दो इंजन, दो फैन और पहिए तीन। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है।